नमस्कार, सत श्री अकाल, जय जोहार। आप देख रहे हैं जीएन भारत, जन जन तक। नमस्कार, मैं राशिका बजाज और आप देख रहे हैं जीएन भारत। प्रदेश के निर्देशानुसार मंगलवार को भाजपा भरनों मंडल में सिमडेगा में दलित युवक के मॉब लिंचिंग और पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुरक्षा में कांग्रेस सरकार के द्वारा किए गए चूक के विरोध में मंडल अध्यक्ष मनोज वर्मा के नेतृत्व में प्रखंड मुख्यालय के विरोध प्रदर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भाजपा कार्यालय से विरोध प्रदर्शन करते हुए कार्यकर्ता ब्लॉक पहुंचे और राज्यपाल के नाम वीडियो तेज कुमार हस्सा को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में भाजपा कार्यकर्ताओं ने सिमडेगा में हुए संजू प्रधान की मॉब लिंचिंग से की गई निर्मम हत्या की जांच सीबीआई से करवाने, उसकी पत्नी को सरकारी नौकरी, परिजनों को 10 लाख मुआवजा और परिजनों को सुरक्षा देने की मांग को लेकर राज्यपाल के नाम वीडियो को ज्ञापन सौंपा गया। इस मौके पर मंडल अध्यक्ष मनोज वर्मा, रामनंदन साही, मुरारी केसरी, प्रवेश मिश्रा, प्रेम सिंह, अशोक केशरी, श्याम अग्रवाल, जितेंद्र चौबे, निसार खान, नीलम गुप्ता समेत सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित थे। आज दिनांक 11 जनवरी 2022 को भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश के निर्देशानुसार भरनो मंडल के कार्यकर्ताओं द्वारा एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कार्यक्रम रखा गया और सिमडेगा में हुए दलित युवक संजू प्रधान की मॉब लिंचिंग द्वारा निर्मम हत्या की सीबीआई जांच और उनकी पत्नी को सरकारी नौकरी, 10 लाख रुपया मुआवजा, अब परिवार को सुरक्षा को लेकर राज्यपाल, झारखंड के राज्यपाल के नाम से एक ज्ञापन सौंपा गया। और मेरा मानना है कि झारखंड की जो गठबंधन ठगबंधन की सरकार है वो पूरी तरह राज्य के जनता को सुरक्षा देने में विफल है। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें जीएन भारत के साथ। धन्यवाद। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।